इतने महत्वाकांक्षी हैं आप, हर पद आप ही को चाहिए नहीं, और कोई आपके साथ नहीं। उमेश को तो क्या चैलेंज दे रहे हैं आप, क्या चैलेंज दे रहे हैं, क्या जीते अध्यक्ष हैं या नहीं उमेश को ये बताइए। अरे जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिए तो कुछ बचा क्या, वो सिर्फ एक प्राथमिकी सदस्य हो सकते हैं, बस धन्यवाद। एमएलसी तो है ना आपके यहां? अरे एमएलसी हमारे नेता तो दे दिए हैं, हम एमएलसी बना दिए तो हम लोग क्या है, खुद सोचे ना। जिस जिन्ना को कहते शर्म आनी चाहिए, जरा भी लेस नैतिकता हो तो उनको शर्म आना चाहिए। आप जिस झुंझुन्ना की बात करते हैं, लोग तो उसी के लिए ललायत रहते हैं, आप भी तो वही ललायत हुआ कि आप उस पद पर क्यों आए, कोई तिरस्कर्ता को बना देते आप उस पद के लिए क्यों, आज भी उस पद पर बने हुए। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, दावा करता हूँ, जाकर देखिए, ज्यादा जानकारी लेना है उनके गाँव जाइए, उनके गाँव में जाकर पता करिए उनका समाज क्या कहता है। धन्यवाद। उपेंद्र कुशवाहा से ज्यादा कोई इसमें तो माहिर है, अवसरवादी, इतना बड़ा अवसरवादी है, इतने बड़े स्वार्थी है, इतने बड़े महत्वाकांक्षी है, उससे बड़ा कोई हो सकता है? नीतीश कुमार क्यों गए, नीतीश कुमार आरजेडी के साथ क्यों गए, उन्हें इस बात से कम है? अरे उस हम ये पूछ रहे हैं कि वो राष्ट्रवादी कांग्रेस में गए, वो राष्ट्रीय समता पार्टी में गए, वो आरएलएसपी बनाए, सिर्फ अपने लिए बनाए, न कि कोई पार्टी के आज महात्मा फूले बना के रखे हुए हैं। पायलट कमेटी यहाँ जब आरएलएसपी का विलय कर लिए तो फिर पायलट कमेटी बना के चलाने की क्या जरूरत है? आप तो शुरुआती दिनों से ही आप पार्टी को कमजोर करने में लगे हुए हैं। आप जान लीजिए उपेंद्र जी कि आपका वही हर्ष होगा, समझे, और लोग को आप जो समझते हैं, आप जाके तो देखिए, आके देखिए, एक वार्ड सदस्य में भी लड़के देखिए, आपको क्या हर्ष होगा पता चल जाएगा। पूरा जनता, बिहार की जनता देख रहा है, और जिस नेता ने आपको इतना सम्मान देने का काम किया, उस पर उस सूरज पर आप थूक भीग रहे हैं, खुद उल्टे आपको जो सूरज पर थूक भीगेगा उसको खुद गिरेगा नीचे। उपेंद्र कुशवाहा जी जो बकवास कर रहे हैं, न उनके पास सिद्धांत है न विचारधारा है, वो अति महत्वाकांक्षी है, जिस कारण अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। आप जानते हैं कि हाल के दिनों में हमारे पार्टी का चुनाव हुआ है संगठन का, और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम करने के लिए पार्टी में समय समय पर चुनाव होती है, और अभी पार्टी में पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, नहीं अन्य किसी भी पर हम लोगों ने जारी नहीं किया अभी, तो ये इस तरह के जो उनको कोई हक भी नहीं है, उनको कोई हक नहीं किसी प्रकार के कि पार्टी के बारे में पार्टी का मीटिंग बुलाए, लेकिन जब वो कहते हैं पार्टी के बारे में तो ये जानते हैं कि हमारी पार्टी जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के संघर्षों की पार्टी है, उस पार्टी यह जनता दल यूनाइटेड, और जो कोई लोग बोलते हैं तो बकवास कर रहे हैं। आज बिल्कुल हम माने ये बिल्कुल उनका बकवास है। समता पार्टी उनकी थी, जेडीयू थोड़ी उनकी है, अब उनको सीधे तौर पर उन्होंने चैलेंज कर दिया है, ये बड़ी बात है ना। अरे हम लोग नोटिस ही नहीं लेते अगला को, हमने तो पहले कहा हमारी पार्टी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के सींची हुई पार्टी है। आपके बिहार विधान परिषद के वो सदस्य आप कैसे नोटिस हैं, आपके संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो, तो आप, मेरे पास लिखित है। आप खुद सोचिए ना कि जब जब उनके जीवन में उनको अंधकार आया, जिंदगी में अंधकार आया, तो हमारे नेता ने प्रकाश देने का काम किया, उनको शुरुआती दिनों में ही उनको जो है विधानसभा में जो है विपक्ष का नेता बनाए, और जब यहाँ से फिर भागे तो उसके बाद जो है उनको राज्यसभा, फिर आए तो राज्यसभा, जब हमारे नेता के आए साथ तो फिर राज्यसभा बनाया गया, जब जब हमेशा हमारे नेता उनको सम्मान करने का काम किए, अभी जब फिर दोबारा जब आए तो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बनाए और उनको विधान परिषद में भेजा गया और चेयरमैन बनाया गया। तो आप समझिए कि यही पार्टी जो है जनता दल यूनाइटेड पार्टी और हमारे नेता जो उनको सम्मान देने का काम किया, लेकिन वो बोलिए कि प्लेटफॉर्म पर उनके गोद में बैठकर, किनके गोद में बैठकर, किनके गोद में, और आप ही सोचिए ना किनके गोद में बैठकर, जो सूरज उनको हमेशा कुछ देने का, उनके जिंदगी में प्रकाश देने का काम किया, उसी सूरज पर थूक बिक रहा है, तो उल्टे उनको पड़ेगा। आप लोग कार्रवाई करेंगे? अरे वो हमारे दल में हम लोग मानते ही नहीं,
कि हमारे दल में हमारे साथ नोटिस कब जारी होगा? आप जानते हैं ना कि कोई भी पार्टी का अपना सिद्धांत होता है और किसी का अपना प्लेटफॉर्म पर कोई बात कहने का होता है, हम लोग तो मानते ही नहीं। जदयू को उन्होंने तुलना किया है कि पहले क्या हाल था 90 वाला दौर में, तब नीतीश कुमार ने उस आतंकवाद से मुक्ति दिलाई थी और आज फिर उन्हीं के गोद में चले गए। आप लोग जानते हैं कि 2004 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था विरोधी दल नेता थे, चाहे आप हार गए थे। जब 2005 में आप बुरी तरह से हारे और दोनों में उपचुनाव में जो बाद में भी चुनाव हुआ, दो चुनाव हुआ 2005 में, तो आप तीसरे नंबर पर गए और उसके बाद आप कहाँ कहाँ गए? आपसे कोई उपेंद्र कुशवाहा से ज़्यादा कोई इसमें तब माहिर है? वो अवसरवादी, इतना बड़ा अवसरवादी हैं, इतने बड़े स्वार्थी हैं, इतने बड़े महत्वाकांक्षी हैं, उससे बड़ा कोई हो सकता है? नीतीश कुमार क्यों गए? नीतीश कुमार आरजेडी के साथ क्यों गए? उसे इस बात से कम है। अरे उस हम ये पूछ रहे हैं कि वो राष्ट्रवादी कांग्रेस में गए, वो राष्ट्रीय समता पार्टी में गए, वो आरएलएसपी बनाए सिर्फ अपने लिए बनाए, न कि कोई पार्टी के आज महात्मा फूले बना के रखे हुए हैं। पायलट कमेटी यहाँ जब आरएलएसपी का विलय कर लिए तो फिर पायलट कमेटी बना के चलाने की क्या जरूरत है? आप तो शुरुआती दिनों से ही आप पार्टी को कमजोर करने में लगे हुए हैं। लेकिन आप जान लीजिए उपेंद्र जी कि आपका वही हर्ष होगा, समझे? और लोग को आप जो समझते हैं, आप जाके तो देखिए, आके देखिए, एक वार्ड सदस्य में भी लड़के देखिए, आपका क्या हर्ष होगा पता चल जाएगा। पूरा जनता, बिहार की जनता देख रहा है और जिस नेता ने आपको इतना सम्मान देने का काम किया उस पर उस सूरज पर आप थूक भी गिरे हैं, खुद उल्टे आपको जो सूरज पर थूक भी गिरेगा उसको खुद गिरेगा नीचे। आपने देखा है कि जगदेव जयंती मनाया गया, उन्होंने भी मनाया है, तमाम कुशवाहा समाज जगदेव जयंती में यहाँ भाग लिए। एक कुशवाहा पार्टी जो है, कुशवाहा का आप पूछते नहीं है, ये पार्टी जनता दल यूनाइटेड, सभी कुशवाहा समाज अपनी पार्टी पुश्तैनी पार्टी मानती है, जनता दल यूनाइटेड को अपना नेता नीतीश कुमार जी को, तमाम लोग नीतीश जी में आस्था रखते हैं, उनको भर्म तोड़ लें, घमंड अपना तोड़ लें। उमेश कुशवाहा जी, एक सवाल ये है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं बता रहा हूँ। अब ये परिस्थिति आ गई कि उपेंद्र कुशवाहा पार्टी के एमएलसी हैं और अब आपके सबसे सम्मान नेता जिनके बारे में आपने कहा कि उन्होंने उनको प्रकाश दिखाया, उन्होंने उनको विपक्ष का नेता बनाया, एमएलसी बनाया, राज्यसभा भेजा, तीन बार आए, तीन बार उन्होंने उनको रखा, उनके बारे में ये कहना कि पार्टी उनकी है ही नहीं, इसे कैसे देखते हैं? अब पार्टी डिफेंस क्यों है? देखिए, कुछ बचा है? मैंने तो कहा ना कि एक प्राथमिक ही सदस्य हो सकते हैं। अभी संगठन का चुनाव हुआ है, पिछले टर्म में वो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे, लेकिन आप जानते हैं कि ना हमने प्रदेश कमेटी बनाया, ना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने राष्ट्रीय कमेटी बनाया, तो संसदीय दल नेता है ही नहीं। लेकिन आप जान रहे हैं, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, हम लोग देखिए कि जो ये पार्टी जो है, कोई अवसरवादी नेता के कहने से और उनके चाहने से इसमें से एक ईंट नहीं घस सकता। वो तो कह रहे थे कि नीतीश कुमार से ज्यादा कोई इधर से उधर आरजेडी से बीजेपी से आरजेडी हुआ है क्या? से बीजेपी में जाने की बात हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा से ज्यादा कौन जानेगा? उपेंद्र कुशवाहा किस तरह माहिर है ये सब लोग जानते हैं। ये बताइए, सिर्फ अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं, यदि उनको घमंड है, देखिए ना अभी महात्मा फूले बना के रखे, कौन कष्ट करता है? उन्होंने तो मंच से कहा था पार्टी के विलय करने के समय में कि हम नहीं बनेंगे, हम ना हम विधान ना विधान परिषद में जाएंगे, ना कोई पद के लिए लड़ाई थे, आज तो सब पद के लिए लड़ाई थे। इतने महत्वाकांक्षी हैं आप, हर पद आप ही को चाहिए और कोई आपके साथ नहीं। उमेश को क्या चैलेंज दे रहे हैं आप? क्या चैलेंज दे रहे हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या नहीं उमेश को ये बताइए। अरे जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिए तो कुछ बचा क्या? वो सिर्फ एक प्राथमिक ही सदस्य हो सकते हैं, बस धन्यवाद। एमएलसी तो है ना आपके यहां? अरे एमएलसी हमारे नेता तो दे दिए हैं, हम एमएलसी बना दिए तो हम लोग क्या है? खुद सोचे ना, जिस जिन्ना को कहते शर्म आनी चाहिए, जरा भी लेस नैतिकता हो तो उनको शर्म आना चाहिए। आप जिस झुंझुन्ना की बात करते हैं, लोग तो उसी के लिए ललायत रहते हैं, आप भी तो वही ललायत हुआ कि आप उस पद पर क्यों आए? कार्यकर्ता को बना देते, आप उस पद के लिए क्यों आज भी उस पद पर बने हुए? बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, दावा करता हूँ, जाकर देखिए, ज्यादा जानकारी लेना है उनके गाँव जाइए, उनके गाँव में जाकर पता करिए उनका समाज क्या कहता है। धन्यवाद।